हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा डीयू चैट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इनकी प्रिपरेशन में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे करें, उनके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें सिंप्लीफिकेशन वाला आता है, सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √20 − √20 − 20, सो ऑन चलेगा हमारा इन्फिनिटी तक। तो इसको हम जनरली करते कैसे हैं कि एक्स लेट कर लिया, ज़ूम कर लिया सारी वैल्यू को। एक्स एक्ज़ूम करने के बाद इसकी वैल्यू को हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, बोथ साइड कर ली थी हमने स्क्वायरिंग। उसके बाद यहाँ पे जगह एक्स स्क्वायर, ये 20, और ये सो ऑन चलता रहेगा। रूट अंडर यदि आप चलोगे तो यहाँ पे रूट अंडर फिर से 20 20, फिर यहाँ पे सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो इन वैल्यू को आपने क्या करा, लेट कर लिया, ये एक्स लेट करा था, एक्स लिख दिया। इन दोनों को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये माइनस हो जाता है प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये इसका मिडिल टर्म फिल्ट किया, 5x प्लस माइनस 4x लिख दिया इसको, एक्स को। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो क्या होगा, एक्स प्लस 5, और यहाँ पे 4 कॉमन लिया माइनस 4 तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। एक्स प्लस 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया फैक्टर, एक हो गया, एक हो गया एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 4 हो गया, एक हो गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 5। नेगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्म्स को तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू 4। देखा आपने कि कितना बड़ा आंसर है। यदि आप इस तरह क्वेश्चन बनाओगे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपको हार्डली कितना भी फास्ट करोगे 3 4 मिनट आपका आराम से चला जाएगा, तो इतना टाइम होता नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, जिस ट्रिक से आप कुछ सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो पहला हमारा रूल है, यदि इस तरह से क्वेश्चन हो, एक्स रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस डैश डैश इन्फिनिटी एंड एक्स इज फैक्टर ऑफ एक्स इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज गिवन बाय एन। मतलब यदि आपका एक्स इस तरह से हो, बीच में माइनस का साइन हो और एक्स के फैक्टर एन इंटू एन प्लस वन कोई फैक्टर बने, तो छोटा जो फैक्टर होगा वही आंसर होगा। चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है 20 √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20 − √20
ट्वेंटी का जो फैक्टर है, देखो 20 को आप ले सकते हो कितना, 4 × 5, तो हमारा था n × n+1, तो छोटा फैक्टर हमारा 4 है, छोटा फैक्टर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √72 −√72 −√72 माइनस, ये डैश डैश चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इसमें दो फैक्टर है हमारा, एक हमारा 8 × 9, 9 × 8 = 72 होता है, तो एन इक्वल टू हमारा कितना 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, कहता हूँ छोटा फैक्टर 8, छोटा फैक्टर 8 है इसलिए हमारा आंसर 8 होगा। चलते हैं हम एक और एग्जाम्पल पे। इस तरह से क्वेश्चन दे कि इन दोनों दिया हुआ रूट, ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है, √72 −√72 −√72 माइनस डैश डैश इन्फिनिटी तक, डिवाइड करना है इसको √20 −√20 −√22 इन्फिनिटी। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसके दो फैक्टर 72 का, 9 × 8 लिख सकते हो आप, तो छोटा फैक्टर 9 है, 8 है तो 8 लिख देंगे। 20 को आप लिख सकते हो कितना, 20 को 4 × 5, छोटा फैक्टर हमारा 4 है तो 4 लिख देना, तो 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 8/4 = 2, आंसर हमारा 2। तो देखा आपने, कुछ कुछ सेकंड में हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से बिना किसी हेजिटेशन के। सेकंड रूल हमारा है, यदि इसी में ऐसा हो फॉर्म हो √(x+√(x+√(x+)-∞ एंड x = n × n+1, देन द वैल्यू ऑफ अबव एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ n+1। तो यदि इसी में हमारा फैक्टर क्या हुआ है कि n प्लस प्लस हो, यहाँ पे बीच में माइनस ना हो, तो हमारा बड़ा फैक्टर आंसर होगा। जैसे कि अब 20 दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है √20 + √20 + √20, तो 20 का दो फैक्टर हो सकता है, 20 को हम लिख सकते हैं कितना 5 × 4, तो 5 बड़ा है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, दिस इक्वल टू 5 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमारा है जैसे √72 + √72 + √72 - 10 इन्फिनिटी,
तो 72 का फैक्टर होता है 9 into 8, तो 72 का बड़ा फैक्टर होगा 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ये है थर्ड एग्जांपल हमारा, रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 डैश डैश इन्फिनिटी, और डिवाइड रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 टू इन्फिनिटी। तो 56 का होता है फैक्टर 8 into 7, 8 into 7, तो इसका जो बड़ा फैक्टर है वो कितना है 8, तो ये 8 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और ये 30 है, 30 को लिख सकते हो आप कितना 6 into 5, तो इसमें बड़ा फैक्टर जो है वो कितना है 6, तो आप 6 लिख सकते हो। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा कितना 8/6, 4/3। तो देखा आपने किस तरह से कि जो भी क्वेश्चंस है उसको हम बहुत ही सिंपल वे में और कुछ सेकंड में, 4-5 सेकंड मुश्किल से लगेगा आपको आंसर्स बनाने में, प्रैक्टिस करोगे तो 1 सेकंड में आपको डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हो, जो ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शन एमसीक्यू में दिया होगा उसमें से। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ताकि बहुत जल्दी दे सकूँ। थैंक यू।